गुड मॉर्निंग, मैं हूँ रीता मिश्रा। आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की बहुत ही खूबसूरत कविता है किताबें। ये देखिए, ये हमारे आज की कविता की पंक्तियां। अब दो दो पंक्तियां हम पढ़ना शुरू करेंगे। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। झांकती का अर्थ होता है देखना, हसरत का अर्थ है चाहत। ये देखिए, मैंने एक बंद अलमारी में कई सारे किताबें दिखाई है। यहां पे कवि कहना चाहता है कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, यानी हमारा जो कवि है वो कह रहा है कि काफी लंबा समय हो गया है, हम इंसानों ने अपनी अलमारी खोलकर किताबें पढ़ी ही नहीं, और जो किताबें हैं वो अलमारी के बंद शीशों से मानो लोगों को बड़ी ही हसरत से देख रही हैं। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि कोई तो आएगा और इस तरह से किताबों को निकाल कर पढ़ेगा। इसीलिए किताबें कवि के द्वारा कहती हैं कि महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, मानो ऐसा लगता है कि महीनों बीत गए हैं और हम इंसानों ने अलमारी से जो किताबें झांक रही हैं उन्हें निकाल कर पढ़ा ही नहीं है। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर, सोहबत का अर्थ होता है साथ। एक ऐसा वक्त था कि जब सभी लोग घर के, खासकर जो बुजुर्ग होते थे, काम पर से आए नहीं कि किताब लेके पढ़ना शुरू कर देते थे। बड़ों को पढ़ते देखकर बच्चे भी मन लगाकर पढ़ाई करते थे, किताबों में अपना ध्यान देते थे। लेकिन आज का एक ऐसा वक्त हो गया है कि माता पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं होता। बच्चे अपना मनोरंजन किताब में ना ढूंढकर वीडियो गेम, टीवी, मोबाइल इनमें ढूंढने लगे हैं। तो इस तरह से हमारे कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि एक ऐसा समय था कि जब घर का जो बड़ा मेंबर था, यानी बुजुर्ग इंसान जो थे, जब हमारे पिताजी पढ़ा करते थे किताब, दादाजी पढ़ा करते थे, तो उन्हें देखकर बच्चे भी किताब पढ़ने की सोचते थे। लेकिन आज एक ऐसा वक्त हो गया है कि बड़ों के पास किताबों को तो छोड़िए, बच्चों के लिए भी समय नहीं है। इसलिए जो बच्चे हैं वो बाकी चीजों में अपना ध्यान लगाना शुरू कर चुके हैं। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। ये देखिए, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, यानी कवि कहता है कि आज ऐसा समय आ गया है कि इंसान का अक्सर समय कंप्यूटर पे ही बीत रहा है, यानी कि कंप्यूटर के स्क्रीन को देखते देखते, उस पे काम करते करते हमारा कब सुबह से रात हो जाती है, रात से सुबह, पता ही नहीं चलता। अब अगर हमने सही इस्तेमाल किया कंप्यूटर का तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो इस तरह से कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, जो किताबें अलमारी के शीशों से झांक कर देख रही हैं। इसीलिए वो क्या हो गई है, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, मानो जो किताबें हैं बच्चों को इस तरह से गलत हरकत करते हुए जब कंप्यूटर के पर्दों पर देखती हैं तो मानो उन्हें दुख होता है। ऐसा लगता है कि उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, मानो किताबें नींद में चल रही हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद दिन में ना सही, रात में ही सही, कोई तो आएगा, अलमारी से उन्हें निकालेगा और पढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन हम रात में भी किताबों को नहीं पढ़ते। रात में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल ले लेते हैं या टीवी ले लेते हैं या अपना कंप्यूटर ले लेते हैं, और इस तरह से गलत काम भी करना शुरू कर चुके हैं। वो कदरे जो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, कदरे का अर्थ होता है मूल्य, यानी कि वैल्यूज। कवि का मानना है कि कैसा वक्त था कि जब हमारे दादा दादी नाना नानी कहानियों की किताबें पढ़ते थे, और उन किताबों को जब वो पढ़ते थे तो बच्चे इस तरह से उन्हें घेर लेते थे और उनसे पूछा करते थे कि आप क्या पढ़ गए हो, क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो ये देखकर हमारे जो नाना नानी थे, दादा दादी थे, वो हमें उन किताबों में जो अच्छी बातें लिखी थी, जो कदरें लिखी थी, वो हमें वो सुनाना शुरू कर देते थे। देखिए, अगर घर का बड़ा मेंबर कभी पढ़ता हुआ दिखे तो याद रखना उस घर का हर छोटा बच्चा भी पढ़ता हुआ ही आपको दिखाई देगा। ये देखिए, लेकिन आज के जमाने में ये सब दिखाई नहीं देता। कहते हैं माता पिता काम पर से आते हैं, थक जाते हैं,
घर के काम करने के बाद थोड़ा सा वक्त जो मिलता है वो टीवी या मोबाइल पे बिता देते हैं। किताबों में माता पिता को देखने का समय नहीं मिलता और माता पिता किताबें नहीं देखते, इसीलिए बच्चे भी अब किताबों से दूर भागने लगे हैं। कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, एक वैसा वक्त था कि किताबों की मांग होती थी, लोग देखते थे कि कब किताबों की सेल लगेगी, यानी एग्जीबिशन लगेगा, कब हम जाए और सस्ते में किताबों को ले आए। आज एक ऐसा वक्त आ गया है कि किताबों के सेल तो हमेशा लगते हैं, लेकिन उन्हें खरीदने वाला ही आजकल कोई नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने किताबों के सेल की बात की है। वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में जो रिश्ते वो सुनाती थी। कदरें का अर्थ होता है मूल्य। ये देखिए, एक वक्त किताबों की बहुत सारी कदरें थी घर में, हर कोई किताब पढ़ता था और जो सीखता था दूसरों तक पहुंचाता था। आज ऐसा वक्त आ गया है कि छोटे से बच्चे को भी टीवी मोबाइल या वीडियो गेम के सामने बिठा दिया जाता है ताकि वो माँ बाप को तंग ना करें, और बच्चा इस तरह से जब माता पिता टीवी देखते हैं तो वो भी देखते हैं। और अगर बच्चा जब टीवी का आदि हो जाता है, यानी उसको हैबिट हो जाता है टीवी का, और वो टीवी से जब अलग नहीं होना चाहता और माता पिता कहते हैं कि पढ़ाई कर, तो बच्चा पढ़ाई से दूर भागने लगता है। तो कवि यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि एक वक्त था कि घर में वो कदरें हमें दिखाई देती थी क्योंकि हर कोई किताबें पढ़ा करता था, आज हर कोई मोबाइल या टीवी में ही अपने आप को व्यस्त करके बैठा हुआ है। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। उधड़े उधड़े, उधड़े उधड़े का अर्थ होता है बिखरे, सफा का अर्थ होता है पन्ना, यानी कि इंग्लिश में पेज कहते हैं। ये देखिए, किताबों को मैंने दिखाया है, यहाँ उधड़े उधड़े यानी कि बिखरी हुई किताबों को दिखाया है। कवि कहता है कि वो सारे उधड़े उधड़े, यानी कि आज एक ऐसा समय आ गया है किताबें यहाँ वहां बिखरे पड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कवि का मानना है कि किताबें जब हम लाते हैं तो बहुत अच्छी कंडीशन में रहती है, न्यू एकदम दिखती है, उन्हें हम अलमारी में या कोने में यहाँ वहां टेबल पे फेंक देते हैं और उसे दोबारा उठाकर देखते नहीं। और एक ऐसा समय आ जाता है कि किताबें रखे रखे भी उनके पन्नों में दीमक लग जाती है, वो फटने लगती हैं। तो कवि कहता है कि मानो वो फटी हुई किताबों के पन्ने रो रहे हैं और रोते हुए हमसे कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो लफ्ज थे, यानी जो शब्द छुपे हुए थे, जिनके अर्थ छिपे हुए थे, मानो वो अर्थ अब दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं क्योंकि इंसानों के पास किताबों के लिए अब समय नहीं बचा है। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। सूखे टुंड का अर्थ होता है सूखी लकड़ी, अल्फाज का अर्थ होता है शब्द। ये देखिए, जैसा जब एक पेड़ बहुत ही खूबसूरत होता है, हरा भरा होता है, हर कोई उसे चाहता है क्योंकि वो पेड़ हमें फल देता है, फूल देता है, पत्तियां देती है, लकड़ियां मिलती है हमें, हर चीज हमें उस फल से, पेड़ से मिलता है, छाया मिलती है, तो हरे भरे पेड़ के पास हर कोई जाना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो पेड़ सूखा टुंड हो जाता है, यानी कि सिर्फ लकड़ी का ढांचा रह जाता है, बाकी सब टूट जाता है, तो उस पेड़ के आसपास कोई नहीं फटकता। ठीक उसी तरह जब एक नई पुस्तक होती है तो बड़े प्यार से हम लाकर उसे अपने अलमारी में सजा देते हैं या घर में सजा देते हैं, लेकिन जैसे ही किताबों के पन्ने फटने लगते हैं, किताबें पुरानी हो जाती हैं, तो मानो उसमें जो लिखा हुआ मूल्य है वो मूल्य भी दिन ब दिन गिरता जा रहा है। तो कभी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि किताबों को रखे रखे हमने उन्हें इतना पुराना बना दिया है कि मानो किताबें जो ज्ञान की बातें हमें बताना चाहती थी, हमने उसे भी दूर कर दिया है खुद को। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। जायका का अर्थ होता है स्वाद। ये देखो, एक छोटा सा बच्चा है, किताब के पन्ने पलट कर कुछ खाने की चीज देख रहा है, और खाने की चीज के बहाने ही सही, लेकिन वो किताबों के पन्ने पलट तो रहा है और उसे एक अजीब सा स्वाद भी उन किताबों का आ रहा है। ये देखिए, मैंने एक डॉगी दिखाया है पढ़ता हुआ, सफा यानी कि पन्ना पलट रहा है, और एक हम इंसान हैं कि जब भी हमें बुक मिलती है और उसे पढ़ने का अगर नाम ले लो कि भाई बुक पढ़नी है, तो बच्चे को नींद आना शुरू हो जाती है। ये देखिए, लेकिन वही अगर उस बच्चे को कंप्यूटर दे दिया जाए या मोबाइल दे दिया जाए तो बच्चे को नींद नहीं आती, कब दिन से रात हो जाएगा और कब रात से दिन हो जाएगा
उस बच्चे को पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे कवि ने ताना मारते हुए कहा है कि जुबा पे जो जायका आता था सफा पलटने का। तो कवि का मानना है कि एक वक्त ऐसा भी था जब लोगों को एक स्वाद पता चलता था किताबों का, लेकिन आज ऐसा है कि सिर्फ उंगली क्लिक करने से झपकी गुजरती है। आज ऐसा हाल हो गया कि बस उंगलियों का ही खेल रह गया है। कंप्यूटर मोबाइल पे बैठिए, उंगलियों के सहारे आपको जो चाहिए उसमें आप ढूंढ लीजिए, और आपको जो आती हुई नींद होती है वो कंप्यूटर पे बैठने से यूं ही चली जाती है। यानी किताबों को देखकर आपको नींद आने लगती है आजकल, और कंप्यूटर मोबाइल को देखकर आती हुई नींद भी भाग जाती है। बहुत कुछ तर बता खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाति राबता था कट गया है। तबता, तबता का अर्थ होता है एक एक करके, यानी कि वन बाय वन। किताबों से जो जाति राबता था, राबता का अर्थ होता है संबंध या रिश्ता। ये देखिए, अगर बच्चा उस कंप्यूटर का सही इस्तेमाल करता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कुछ तब तक खुलता जाता है। यानी कि कंप्यूटर में ऐसा है कि अगर आप संभल कर नहीं खोलेंगे तो बहुत कुछ उस कंप्यूटर के पर्दे पे खुलेगा जो शायद एक छोटे से बच्चे को नहीं देखना चाहिए। किताबों से जो जाति गापता था वह कट गया है। आज बच्चा बहुत कुछ देख रहा है लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल पर, लेकिन जो एक रिश्ता होता था किताबों से बच्चों का, आज वो रिश्ता मानो कट सा गया है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि कम से कम जितना हो सके बच्चों को किताबों को पढ़ने की आदत हमें डलवानी चाहिए। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। कवि का मानना था एक ऐसा समय था कि जब किताबों को सीने पर लेकर लेट जाते थे, यानी कब पढ़ते पढ़ते रात हो जाती थी, आंख लग जाती थी, पता ही नहीं चलता था। लेकिन हम अपनी जो किताबें हैं उनको अपने सीने से, अपने गोदी से कभी अलग नहीं करते थे। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने कुछ चित्र दिखाए हैं। इन सभी चित्रों में मैंने बताया है कि कैसे अलग अलग तरीकों से लोग किताबों को लेकर पढ़ा करते हैं। कोई अपने गोदी में रखता है, कोई अपने पैरों को फैला के पढ़ता है, कोई अपने अलती पलती मार के पढ़ता है, कोई पढ़ते पढ़ते चेयर पे इस तरह से सो गया। लेकिन लोग इस तरह की दीवानगी दिखाते थे किताबों को पढ़ने के लिए। कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। रिहल का मतलब होता है ठावनी और इल्म का मतलब होता है ज्ञान। ये देखिए, यह है आपकी ठावनी। ठावनी का अर्थ होता है जो शेप दिखाया है जिसपे बुक रखी है, उसे कहते हैं ठावनी। अब यहाँ कवि कहता है कि एक ऐसा वक्त था कि घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, ये देखिए, ये है रिहल की सूरत बच्चे ने बना दी है। ये जो पैर इस तरह से हम फोल्ड करके बैठते हैं और घुटनों पर हमने किताबें रखी है। एक जमाना था कि बच्चे ऐसे किताबें घंटों पढ़ा करते थे, नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। एक ऐसा वक्त था कि हम पेड़ों के नीचे, नीम का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, सबके नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। ये देखिए, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। तो कवि का मानना है कि किताबें आप कैसे पढ़ते हैं, किस वे से, ये मैटर नहीं करता। बस जरूरी यह है कि आप बड़ी ही मेहनत से और लगन से किताब पढ़ें। आपको सोकर पढ़ना है, बैठ के पढ़ना है, घुटनों के बल पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, या टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना है, पढ़िए। क्योंकि किताबों में ज्ञान छुपा है और वो ज्ञान जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, रुके का अर्थ होता है पत्र यानी कि लेटर। ये देखिए, एक वक्त था कि हम किताबों में इस तरह से फूल रख दिया करते थे और ये हमेशा हमें याद रहता था और ये याद हमेशा हमारे साथ बना रहता था। तो किताबें इस तरह से यादों के लिए भी हम संभाल कर रखते थे। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। ये देखिए, कवि का मानना है कि एक वक्त था जो किताबें हमारे रिश्ते बनाने के लिए बना करती थी, यानी किताबों के लेन देन के बहाने, किताबों के जरिए, फूल रखने के जरिए हम एक दूसरे से अपना रिश्ता जोड़ लिया करते थे। लेकिन आज इंसान ऐसा हो गया कि वो घर में होते हुए भी लोगों से अलग हो गया है, क्योंकि जब देखो इंसान इस तरह से अपना कंप्यूटर लेके बैठा रहता है और अपने काम धाम में लगा रहता है। आशा करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद।